इस प्रकार हमने देखा कि इथाइल एसीटेट में टाइप ए के 3 एच प्रोटॉन्स हैं जिनके लिए सिंगलेट, टाइप बी के 2 प्रोटॉन्स हैं जिनके लिए क्वार्टरेट और टाइप सी के 3 एच प्रोटॉन्स हैं जिनके लिए ट्रिपलेट प्राप्त होता है। हम अब दूसरी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शील्डिंग इफेक्ट और डी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में जानेंगे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में शील्डिंग और डी शील्डिंग और अपफील्ड शिफ्टिंग और डाउनफील्ड शिफ्टिंग, ये जो टर्म्स हैं इनको समझना अति आवश्यक है। शील्डिंग हम किसे कहते हैं? यह हम एसिटिलीन मॉलिक्यूल और बेंजीन और एल्डिहाइड, इन तीन उदाहरणों को तुलनात्मक रूप से देखते हुए समझ पाएंगे। ये तीन उदाहरण हम हमेशा याद रखें, एसिटिलीन, बेंजीन और एल्डिहाइड, यानी इन्हीं सभी में जो प्रोटॉन्स हैं उनके हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उनके लिए डेल्टा की जो वैल्यू है यानी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है वो किस प्रकार बदलती है, इसे देखते हुए हम इन टर्म्स को याद रखने की कोशिश करेंगे। एसिटिलीन में हम देखते हैं कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी के समानांतर H जो है प्रोटॉन जो है वो रहता है और 180 डिग्री पर लीनियर पोजीशन में यह एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो चक्र है, जो डेंसिटी है, वो कार्बन और कार्बन के चारों तरफ एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करती है और जो बाहर से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र बी ज़ीरो है, जैसा कि चित्र में हम समझ सकते हैं, यह बी ज़ीरो जो इंड्यूस्ड फील्ड है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के कारण एसिटिलीन में, उसके परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस द हायर द ऑपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू बी ज़ीरो। बी ज़ीरो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने उस पर अप्लाई किया है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, द ग्रेटर द शील्डिंग बिकॉज द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस लोअर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट नीड्स अ लोअर फ्रीक्वेंसी टू अचीव रेजोनेंस एंड देयरफॉर द केमिकल शिफ्ट्स अपफील्ड लोअर पीपीएम्स। अपफील्ड का मतलब और शील्डिंग का मतलब हम एक दूसरे से कोरिलेट करें, अगर शील्डिंग अधिक है तो शिफ्टिंग अपफील्ड होगी, यानी डेल्टा की वैल्यूज़ का मान जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा, यानी 2.2 और 3 के बीच में रहेगा। ज़ीरो से लेकर 10 तक का जो डेल्टा का स्केल है उस पर ये ज़ीरो की तरफ डेल्टा की वैल्यू शिफ्ट होगी और इसी शिफ्टिंग को हम अपफील्ड शिफ्टिंग कहते हैं। और क्योंकि अधिक डेंसिटी है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की और एक्सटर्नल फील्ड को कम एक्सपीरियंस किया जा रहा है न्यूक्लियस न्यूक्लियाई के द्वारा, इसलिए हम इसे अपफील्ड शिफ्टिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एल्काइन प्रोटॉन्स By contrast, resonate at high field in 2-3 ppm range, जैसा कि हमने अभी देखा। और alkynes, the most effective orientation is the external field in parallel with electrons circulated around the triple bond. In this way, the acetylenic protons are located in the cone-shaped shielding zone, hence the upfield shielding. Induced magnetic field of alkynes in the external magnetic field lines are grey shown in the figure. You can see in the figure. Upfield shielding or shielding effect, इन दोनों को हम इसी के तुलनात्मक जो शब्द हैं डी शील्डिंग इफेक्ट और डाउनफील्ड शिफ्टिंग, इन दोनों के साथ समझते हैं। और बेंजीन के मॉलिक्यूल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेंजीन में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एसिटिलीन की तुलना में कम हो जाता है, रादर डी शील्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। डी शील्ड होने का मतलब है कि जो
प्रोटॉन्स बेंजीन रिंग के पैरेलल मौजूद हैं, उसके परपेंडिकुलर उत्पन्न हो रहा है, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उन प्रोटॉन्स के द्वारा, उनके चक्रण के मूवमेंट के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, प्रोटॉन का प्लेन और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर।